मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम हमारा पाठ दो पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बापू की कुटिया में। कुटिया मतलब झोपड़ी और बापू हम किसे कहते हैं सब जानते हैं, महात्मा गांधी जी। यहाँ पर ये लेख रामवृक्ष बैनीपुरी ने लिखा है, कुछ यादें साझा की है। रामवृक्ष बैनीपुरी का जन्म सन 1902 ईस्वी सन में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1968 ईस्वी सन में हुई थी। स्टूडेंट्स हमारे पाठ में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कठिन है जिसे समझना जरूरी है। यहाँ पर पाए ताने यानी चार पाई का पैर फैलाना की और का भार, चार पाई मतलब पलंग। विश्व वंद्य विश्व भर में वंदनीय, हमारे महात्मा गांधी जो थे सारे विश्व में वंदनीय थे। चरण रज चरणों की धूल, कृत कृत्य धन्य धन्य, उनके दर्शन जो भी करता था वह अपने आप को धन्य मानता था। तादात्म्य एक वस्तु का दूसरी ओर से अभिन्न होने का भाव। श्वेत शुभ्र सफेद चमकदार, आत्मस्थ आत्मा में स्थिर, आत्मस्थ मतलब आत्मा में स्थिर होना। उत बीज यानी वनस्पति, उत बीज वनस्पति। अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव। पिंडज गर्भ से उत्पन्न होने वाले। उद्वेलित प्रेरणा देना, यहाँ पर उद्वेलित का अर्थ बताया है प्रेरणा देना। अपलक पलक झपकाए पीना। स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ बातें रामवृक्ष बैनीपुरी ने हमारे साथ शेयर की है। रामवृक्ष बैनीपुरी कहते हैं कि गांधी जी के कहने के अनुसार उन्होंने सभी चीजों का त्याग कर दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में वह जुड़ गए। जब तक रामवृक्ष बैनीपुरी हमारे लेखक स्वतंत्रता आंदोलन में रहते तब तक उनकी कभी गांधी जी से मुलाकात नहीं हुई और वह गांधी जी के आदेशों के अनुसार कार्य करते रहे। एक समय ऐसा आया कि लेखक ने सुना कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई है। उस समय लेखक को बेहद दुख होता है और लेखक के पास अपने आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं रहता। उनके मन में ये दुख रहता है कि हमेशा महात्मा गांधी जी के आदेशों को मानता रहा, उनकी कही बातों पे चलता रहा और भारत को स्वतंत्र भी करवा दिया। गांधी जी ये सब कर गए और उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मुझे एक बार भी उनके दर्शन करने का मौका नहीं मिला। फिर लेखक एक दिन महात्मा गांधी जी की कुटिया में जाते हैं। कुटिया मतलब झोपड़ी। झोपड़ी में जाते ही उन्हें ऐसा लगता है कि गांधी जी जीवित हैं। गांधी जी की एक एक वस्तु पर उन्हें गांधी जी दिखाई देते हैं और उनके हृदय में ये भावना पैदा हो जाती है कि नहीं, गांधी जी जीवित हैं,
जब वो वहां पर कुछ लोगों से मिलते हैं तब वे उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, गांधी जी इस दुनिया से चले गए हैं, उनका शरीर चला गया लेकिन उनकी आत्मा हर एक इंसान में बसी हुई है, उनकी झोपड़ी की एक एक वस्तुओं में बसे हुए हैं। वहां पर लेखक गांधी जी की एक एक वस्तुओं का सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हैं और एक एक वस्तु में उन्हें गांधी जी दिखाई देते हैं। कभी वो गांधी जी के शेल्फ को देखते हैं, कभी गांधी जी के पलंग को देखते हैं, कभी गांधी जी के तकिए को देखते हैं। उन गांधी जी जो अपना चरखा चलाते रहते थे कभी उसके पास जाते हैं, गांधी जी की एक एक चीजों एक एक वस्तुओं का निरीक्षण करते हैं और गांधी जी उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास हैं। वहां पर लेखक महसूस करते हैं कि गांधी जी की कुटिया जो है सिर्फ बांस से बनी हुई है, बैम्बूस के डंडों से बनी हुई है और उनकी कुटिया के अंदर कुछ भी ऐसा सामान नहीं है जो आराम देने वाला हो। एक पलंग है और कुछ किताबें हैं, एक शेल्फ है, एक पत्थर लगा हुआ है उस पे हे राम लिखा हुआ है, ये सब वस्तुएं वहां पर देखते हैं। और दूसरा वो देखते हैं कि गांधी जी सफाई को कितना महत्व देते थे, उनकी कुटिया बिल्कुल साफ सुथरी थी, उनके बिस्तर पे बिछी हुई चादर एकदम सफेद और साफ थी, उनके कपड़े साफ सुथरे थे, उनकी जो टॉयलेट थी वह भी साफ सुथरी थी। वहां पर लेखक देखते हैं कि कितनी सफाई पसंद करते थे गांधी जी, वो अपनी कुटिया के आसपास खुद झाड़ू लगाते थे और सारा कचरा खुद अपने हाथों से इकट्ठा करके डस्टबिन में डालते थे। गांधी जी जब भी उन्हें चरखा काटने के बाद समय मिलता तो वह लोगों से मिलते थे, लोगों के विचारों को जानते थे और उसके बाद भी जब उन्हें समय मिलता तो वह कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। और जब उनके लिखाई में कुछ गलती होती थी तो वह उस पेज को फाड़ कर पास ही रखे डस्टबिन में डाल देते थे। गांधी जी की ये सब बातें देखकर लेखक एक तरफ से रोते हैं कि ऐसे व्यक्ति से मुझे मिलने का मौका नहीं मिला, जिसके आदर्शों पे लेखक चलते रहे उससे मिलने का मौका नहीं मिला। उनकी मृत्यु के बाद लेखक को उनकी कुटिया में जाने पर पता चला कि गांधी जी कितने महान थे, क्यों सारा संसार उन्हें वंदनीय कहता था। लेखक ये सब बातें वहां पर सोचते हैं, देखते हैं उनकी वस्तुओं को और कहीं कहीं उनको दुख होता है और कहीं कहीं खुश होते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अगर गांधी जी को साक्षात नहीं देखा पर उनकी वस्तुओं में गांधी जी को वह देख लेते हैं। लेखक ने यही इस पाठ में बताया है। स्टूडेंट्स, आपके पास हिंदी की बुक आ गई होगी और आप इस चैप्टर को जब पढ़ोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों का होमवर्क है शब्द अर्थ लिखने हैं और आप लोगों को होमवर्क में स्वाध्याय के MCQs लिखने हैं, प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में जो दिए गए हैं वह लिखने हैं और प्रश्न नंबर 4 उसका क्वेश्चन नंबर
नंबर जो दो है और क्वेश्चन नंबर थ्री है उसके विस्तार से 5-6 वाक्य में आपको आंसर लिखने हैं। धन्यवाद।